नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन भारत इतनी जनसंख्या के बावजूद इस महामारी के ग्राफ को कम करने में, इसे नियंत्रित करने में सफल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों और भारतवासियों द्वारा इसका कड़ाई से पालन का असर पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। आज कोविड-19 की आगे की रणनीति के बारे में चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसके अलावा भी और क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं कोरोना को लेकर बताएंगे अगले आधे घंटे में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और कोरोना पर नजर में सबसे पहले देखते हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं संवाद। कोविड-19 की स्थिति से संबंधित मामलों पर करेंगे चर्चा। लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई। भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने की 383 उड़ान संचालित। देशभर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,835, 872 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर कोविड-19 की तैयारियों का लिया जायजा। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 29,68,000 से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा 2,00,000 के पार। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,330 लोगों की मौत के साथ 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज। नेपाल में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। और सबसे पहले बात करते हैं भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति की। देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,892 पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 20,835 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,184 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देशभर में कोरोना की वजह से 872 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस संवाद में कोविड-19 की स्थिति से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोविड मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न यूनिट्स के काम पर संतोष जाहिर किया। बाद में हर्षवर्धन ने कहा कि सरकारी प्रयासों से देश में मरीजों की संख्या और मृत्यु दर पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में मृत्यु दर 7% तो भारत में 3% के आसपास है। उन्होंने कहा कि भारत में मामलों के दोगुना होने की दर भी बाकी देशों से बेहतर है। दुनिया का एवरेज अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं, तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था, तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं, तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देशभर में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 के विरुद्ध देश के संघर्ष में योगदान देने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचा रहा है। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने 383 उड़ान संचालित की हैं। अभी तक 3,76,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की जा चुकी है। कुल उड़ानों में से 223 एयर इंडिया और अलायंस एयर ने संचालित किए हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है और 6,885 किलोमीटर की दूरी तय की है। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर में संचालित की जा रही है। घरेलू स्पाइस जेट
ब्लू डार्ट और इंडिगो की सेवाएं वाणिज्यिक आधार पर ली गई हैं। इसके अलावा ब्लू डार्ट ने इस महीने की 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ग्वांगजू से 90 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। कोविड 19 महामारी को लेकर कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक खबर के मुताबिक यूवी डिसइंफेक्शन लैंप से कोरोना वायरस खत्म किया जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को अफवाह और झूठा बताते हुए कहा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए यूवी डिसइंफेक्शन लैंप को हाथों या त्वचा के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक अन्य खबर के मुताबिक निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस का इलाज संभव है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को भी अफवाह और झूठा बताया है। इसके मुताबिक निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस से बचाव नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पर एक और अफवाह फैली है जिसमें कहा गया है कि हैंड ड्रायर से कोरोना के वायरस को नष्ट किया जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को भी अफवाह और झूठा बताते हुए कहा है कि कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर या फिर साबुन से धोएं। भारतीय प्रबंध संस्थान यानी आईआईएम के विद्यार्थी भी कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने में केंद्र की ओर से चल रहे प्रयासों में अपना हाथ बटाएंगे। सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों की व्यापक योजना बनाने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूह बनाए हैं। आईआईएम के विद्यार्थी एमबीए इंटर्न के तौर पर इन अधिकार प्राप्त समूहों की डेटा एनालिसिस और सबूतों पर आधारित पॉलिसी इनपुट देने यानी नीति निर्धारण में मदद करेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं विभिन्न राज्यों के कोविड 19 के आंकड़ों पर। आइए देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 8068 मामलों की पुष्टि हुई है, 6650 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1076 ठीक हो चुके हैं और 342 की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, वहीं गुजरात में 3301 मामलों की पुष्टि हुई है, 2837 सक्रिय मामले हैं। अच्छी खबर यह है कि 313 लोग वहां पर ठीक हो चुके हैं, लेकिन वहीं 151 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। और गुजरात के बाद रुख करते हैं दिल्ली का। 2918 मामलों की पुष्टि हुई है, 1987 सक्रिय मामले हैं, 877 दिल्ली में ठीक हो चुके हैं कोरोना के मरीज, जबकि 54 की मृत्यु हो चुकी है। वहीं राजस्थान का रुख करते हैं, 2185 मामलों की पुष्टि, 1634 अभी सक्रिय मामले हैं और 518 ठीक हो चुके हैं और 33 की मौत हुई है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 2096 केसेस वहां पर आए हैं, जिसमें सक्रिय हैं 1691, ठीक हो चुके हैं 302 और मौत का आंकड़ा वहां पर है 103। तमिलनाडु में 1885 मामलों की पुष्टि हुई है, सक्रिय मामले हैं 841, ठीक हो चुके हैं 1020 और मृतक हैं 24, तो ठीक होने वालों की संख्या यहां अच्छी है। उत्तर प्रदेश में 1868 मामलों की पुष्टि हुई है, 1550 वहां पर सक्रिय मामले हैं, 289 वहां पर ठीक हो चुके हैं और मृतकों का आंकड़ा है 29। आंध्र प्रदेश में 1097 मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले वहां पर हैं 835 और वहां पर 231 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं और मृतक का आंकड़ा है 31। तो ये कुल मिलाकर जो ओवरऑल आंकड़े हैं, 27892 मामलों की पुष्टि हुई है, 20835 सक्रिय मामले हैं और जो ठीक हो चुके हैं 6185 और मृतकों का आंकड़ा है 872। तो ये थी कुल मामलों की संख्या जी।
और आइए अब बात करते हैं कि कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति क्या है। देशभर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इनमें कई योद्धा ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री टेलीफोन पर इनसे बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। ग्राउंड लेवल पर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिस कर्मियों से खास बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। जो आज देश भर में काम कोरोना महामारी जो समस्या है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी, मैं, हम तीनों सभी जितने भी पॉजिटिव केस है पुलिस डिपार्टमेंट में, खासकर पैरामिलिट्री में, हम सब लोगों को बात करने का तय किया है। लगातार जैसे भी लोग आते हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको एक आश्वासन देना चाहिए और उनको सरकार आपके साथ है ऐसा बताने के लिए हम पूरे कर्मचारी से हम बात करें। इतना जरूरी है ऐसे समय में उन लोगों से बातचीत करना जो वाकई में योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार का कितना मनोबल बढ़ सकेगा कि जो वाकई में योद्धा के रूप में हैं। नेचुरली अब जो भी देश में जो भी इंसिडेंट बनते हैं पहले जाते हैं पुलिस। आज मरकत का तबलीग जमाते का जो इंसिडेंट हुआ है उनके पास जाना, उनको पकड़ के लाना, उनके पास पुलिस स्टेशन में ले जाना, क्वारंटाइन में ले जाना, पुलिस ही किया है पूरा। उसके कारण से बहुत तो हमारे दिल्ली में 30 लोग सीआरपीएफ को लोग पॉजिटिव केस आया कोरोना का। उसके साथ दिल्ली पुलिस में भी हमारे बहुत पुलिस पॉजिटिव केस आए। कोरोना योद्धा वाकई में योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनको कितना समझने की जरूरत है? इसमें दो विषय है, जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना और जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आशा वर्कर्स है, उनके ऊपर अटैक करना, ये बहुत गलत है। दूसरा, मैं आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, लॉकडाउन का स्पिरिट को बचा के रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सभी लोग सरकार का जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है उस आह्वान को सपोर्ट भी करें लोग, मगर कभी कभी घर से बाहर भी निकल रहे। अभी ये समय बहुत क्रूशियल समय, ये आने वाले इस 10 दिन ठीक तरीके से अगर गुजर गए तो हम आने वाले दिन में भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर दुनिया में उभर सकती है। जो कोरोना योद्धा हैं वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश और जनता की भी ये फर्ज बनता है कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने घरों में रहें। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब एक दिल्ली से रिपोर्ट देखते हैं। सामान्य दिनों में जब आप रात में भी कनॉट प्लेस जाएंगे तो भारी भीड़ से गुजरना होगा, लेकिन अभी लॉकडाउन में तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। शॉपिंग के लिए सबसे मुफीद और युवाओं की पहली पसंद कनॉट प्लेस में सन्नाटा पसरा है, लेकिन दिल्ली पुलिस 24 घंटे वहां मुस्तैद है। पुलिस का मानवीय चेहरा इस लॉकडाउन में उभर कर सामने आया है। कैसा है कनॉट प्लेस का नजारा बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6, जहां पर शाम के वक्त में अगर आप पहुंचे तो शायद इन सीढ़ियों से होकर हजारों लोगों को बाहर निकलते हुए देखेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। सीढ़ियां वीरान हैं, एस्केलेटर जो है वो भी वीरान नजर आ रहे हैं और कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन में कनॉट प्लेस में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी दाहिनी तरफ ये सेंट्रल पार्क है और इस सेंट्रल पार्क में अगर आप शाम के वक्त पहुंचे तो हजारों की तादाद में लोग आपको नजर आएंगे। और हमारी बाईं तरफ ये पालिका बाजार और पूरा कनॉट प्लेस का इलाका है जो अत्यंत भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है, और यहाँ पर आम दिनों में अगर आप आएं तो शायद आपको इन सीढ़ियों से, इस मार्केट से बाहर निकलने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। कहा जाता है कि कनॉट प्लेस जो है वो दिल्ली का दिल है, जहाँ पर
लोग रात के 2 बजे भी आप पहुंचे तो यहां भीड़ जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन अभी सेंट्रल पार्क के ठीक जो इनर सर्किल वाला इलाका है, आप यहां देखिए सन्नाटा है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ यहां पर सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो 24/7 सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हाँ सर, 24/7 लॉकडाउन पूरी तरह से मुस्तैद है सर, ऐसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आते हैं। लॉकडाउन का पालन जो है वो सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका जो है वो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बड़ा ही मानवीय चेहरा जो है वो दिल्ली पुलिस का उभर कर इस लॉकडाउन में सामने आया है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ क्रॉक प्लेस नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और कोविड 19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर और गरीब लोग फंसे हुए हैं, जिनकी समस्याओं को सुलझाना प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में वहां कुछ लोगों ने इन प्रवासी मजदूरों की मदद करने के उद्देश्य से कठुआ के एसएसपी से संपर्क किया है। इस सहायता समूह ने जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यूनाइटेड कठुआ जम्मू और कश्मीर पुलिस के नाम से एक संगठन बनाकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। जरूरतमंदों को दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक रसोई शुरू की गई है। वर्तमान में 16 से अधिक रसोई घर बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 16,635 जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता है। गुजरात के नवसारी में जिला पंचायत ने कोरोना से पीड़ितों के इलाज में लगे डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के लिए 20,000 से अधिक मास्क और 30,000 पीपीई सूट बनाने का ऑर्डर दिया है। ये मास्क और पीपीई सूट को बगैर बुने सामग्री से बनाया गया है। अभी तक एक दिन में 17 से 18 लोगों की मदद से 200 सूट बनाए जा रहे हैं। ये लोग दिन रात काम में लगे हुए हैं। बने हुए मास्क और सूट को शहर के विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। केरल के कोझिकोड की रहने वाली 48 वर्षीय लीला इन दिनों मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। जन्म से ही उनकी टांगें कमजोर हैं, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है और वो लगातार सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती रहती हैं। कोविड 19 की इस महामारी के दौरान वो अब तक 900 से ज्यादा मास्क कोथाली पंचायत में बांट चुकी हैं और अब भी वो इस काम में लगी हुई हैं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। दुनिया भर में कोविड 19 के मामले बढ़कर हुए 29,68,000 से ज्यादा और मरने वालों का आंकड़ा 2,00,000 के पार हो गया है। अमेरिका में आज कोविड 19 से 1,330 मौतें दर्ज की गईं। अमेरिका में अब 9,65,426 पुष्ट संक्रमण के मामले हो गए हैं। इसके साथ ही 54,856 की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क की ओर से रविवार को कोरोना वायरस से 367 नई मौतों की सूचना दी गई, जो 30 मार्च के बाद से न्यूयॉर्क का सबसे कम आंकड़ा है। यहां गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने कहा कि अगर ऐसे ही गिरावट दर्ज की गई तो 15 मई के बाद उत्पादन संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करना पहली व्यावसायिक प्राथमिकता होगी। इटली में राहत की खबर आई है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बीते दिन यहां 260 लोगों की मौत हुई, जो 14 मार्च के बाद एक दिन में हुई मौतों की सबसे कम संख्या है। इटली में कोविड 19 से अब तक 26,644 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के मामले में अमेरिका के बाद वो दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 1,97,675 मामले सामने आए हैं। वहीं एक अन्य यूरोपीय देश स्पेन में चल रहे लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई। यहां 6 सप्ताह बाद बच्चों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति दिए जाने पर रविवार को बच्चे अपने घरों से बाहर निकले। लॉकडाउन नियमों में ढील देते हुए सरकार ने 14 साल से कम आयु के बच्चों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच 1 घंटे के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी है। 14 मार्च से उनके घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, हालांकि कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। मसलन बच्चों के सार्वजनिक पार्क में जाने या घर से 1 किलोमीटर दूर जाने पर अभी भी रोक है। स्पेन में कोरोना से अब तक 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 2,26,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।
कोरोना से जंग जीतने के बाद एक हफ्ते पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने ऑफिस में फिर से कामकाज संभाल लिया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए जॉनसन को 12 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद वो आज अपने ऑफिस पहुंचे और प्रधानमंत्री का कामकाज संभाला। बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से रविवार को 413 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 20,794 हो गई है। हालांकि एक महीने में ये एक दिन में हुई मौत की सबसे कम संख्या है। ब्रिटेन के पर्यावरण मंत्री जॉर्ज यूस्टाइस ने लंदन में नियमित डाउनिंग स्ट्रीट ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, अभी सामाजिक दूरी सहित अन्य उपायों में कोई ढील देने संबंधी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। लॉकडाउन की समीक्षा के लिए 7 मई की समय सीमा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले 2 सप्ताह में विचार किया जाएगा। मेक्सिको में लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में रोज रात गीत गाते हैं। एलविले शहर में लोगों ने अपनी बैल्कनी में आकर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। मेक्सिको में कोरोना वायरस से अभी तक 13,842 मामले सामने आ चुके हैं और 1,300 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बारी है डॉक्टर स्पीक सेगमेंट की। डॉक्टर स्पीक सेगमेंट में देखते हैं चिकित्सा विशेषज्ञों की क्या सलाह है हम सब के लिए। कई औषधीय गुणों से युक्त हल्दी की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने सुझाव पर आइए देखते हैं किस तरह से हल्दी और दूध के सम्मिश्रण से रोग प्रतिरोधक क्षमता को और उन्नत बनाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि मेरे हाथ में हल्दी है, ये हल्दी का पाउडर है और जो आयुष एडवाइजरी है उसमें भी गोल्डन मिल का जिक्र आता है। तो जो बनाने का तरीका दिया हुआ है उसमें सबसे पहले 150 ml दूध उसे हमें उबालना है और उबालने के बाद उसमें लगभग आधा चम्मच हल्दी, जो कि हल्दी पाउडर अगर आपको मिल जाता है मार्केट से आप ले सकते हैं, उसे उबलते हुए दूध में डालना है और एक उबाल आने के बाद उसे आप पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं इसे। अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो वो और अच्छा है। कच्ची हल्दी का इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे अच्छे से आप उसको कूट लीजिए और उसे उबलते हुए दूध में डालिए और बनने के बाद जो कलर होगा वो कुछ इस तरीके का कलर रहेगा। तो इसे आप ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। ये जनरली आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए है। प्लस हल्दी जो है इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग विच वर्क्स ऑन द अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शंस। और आप सभी को पता है कि घर में ये हमारे जनरेशन से आया हुआ है कि जब भी घर में सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले हम हल्दी वाला दूध ही प्रेफर करते हैं। और आजकल साइंस में भी प्रूव किया गया है इसे। देर आर मल्टीपल न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स विच प्रूव्स द एंटी एलर्जिक एंटी वायरल एक्टिविटीज़ ऑफ हरिद्रा। अगर इसे रोज लिया जाता है जितना मैंने बताया है कि 150 ml जो मिल्क है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन प्रिवेंटिंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ COVID-19। और अगर इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत हो तो इंसान कई बीमारियों से लड़ सकता है। फिलहाल रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा से कि कैसे रसोई घर की स्वास्थ्यवर्धक चीजों का प्रयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और कोरोना के खिलाफ जंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है और इसीलिए आयुष मंत्रालय भी कई ऐसे विकल्प सुझा रहा है जिसके नियमित सेवन से हम अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कई घरेलू रसोई के सामान से बना काढ़ा भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। काढ़े में 1 से 5 चीजें है कि जिसमें दालचीनी है, फिर दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है सौंठ या अदरक भी ले सकते हैं, फिर काली मुनक्का द्राक्षा जिसको किशमिश कहते हैं और तुलसी।
ये बहुत ही आसान हर किसी के घर में उपलब्ध हो ऐसी चीजें है। और इसमें हम लेने का बनाने का तरीका भी है, जैसे घर में हम चाय बनाते हैं, चाय के बजाय अगर हम एक गिलास जो लगभग 100 ml जैसे होता है, एक गिलास पानी में चाय बना के जैसे अगर उबालने के लिए रखेंगे, उबलते ही तुरंत हम उसमें केवल आधा ही चम्मच लेना है, वो आधा चम्मच अगर दालचीनी डालें, फिर 2 या 3 काली मिर्च का पाउडर हम अगर उसमें डालें और थोड़ा सा 2 पाव चम्मच हम सौंठ डालें, 4 या 5 काली मुनक्का उसमें डालें, क्रश करके डालना अच्छा है, और 4 से 5 पत्ते तुलसी के अगर हम डालें उसमें, और जैसे ही उबलने लगा तो थोड़ा सा चलाने के बाद अगर उबलते हुए ही एक बार उबला बॉइल होने के बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद तुरंत उसको ढक दे, और प्लेट से ढकने के बाद वो वार्म होने के बाद उसको छान के हम ले लें। तो काढ़े का इस्तेमाल कीजिए या हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कीजिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, लेकिन खास बात यह है घर में ही रहिए, खुद की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सभी की सुरक्षा के लिए। सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें, सावधानी ही बचाव है, और अगर बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलना हो तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।